स्वागत है दोस्तों आपका बाबा आयुर्वेदा में जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित सभी जानकारियाँ बतलाई जाती है और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा नुस्खा जो आपके दांतों और मसूड़ों को जानवरों के दांतों जितना मजबूत बना देगा यह योग बहुत प्रभावशाली है यह पहले के समय में बहुत प्रचलित था इस योग को करने के लिए आपका कुछ भी खर्च नहीं आएगा और बदले में आपके दाँत लोहे से मजबूत भी हो जाएंगे नुस्खा प्रयोग में लाने के लिए आपको वीडियो में दिखाई गई किकर की पहचान होनी चाहिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किकर की बहुत सारी प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है जिसमें से प्रमुख है बबूल की किकर बबूल की किकर के बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किकर की प्रजातियों में बबूल के बाद जो किकर शीर्ष पर आती है उसे हमारे यहाँ टेटनस की किकर कहा जाता है काफी स्थानों पर इसे अफगानी कीकर भी कहा जाता है आपकी भाषा में क्या कहते हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। टेटनस की किकर के पत्ते और फूल से आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं बाकी इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी गाठ है जो इसके प्लेन तने पर उभरी हुई रहती है और किसी पत्थर की सहायता से निकालने पर आसानी से निकल जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह बिल्कुल गोल और हल्की चिकनी होती है इसका साधारण स्वाद हमें इतना मनमोहक लगता है कि इसे मुंह से निकालकर फेंकने का मन ही नहीं करता है हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हमें बचपन में बताते थे कि अगर हम नित्य प्रतिदिन टेटनस की की इन गाठों को दांतों तले चबाते हैं तो यह हमारे मसूडों और दांतों को स्वस्थ रखती है साथ ही मुख की दुर्गंध कोसों दूर भेजकर खाने में अच्छी रुचि पैदा करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी गांठ को बार बार दांतों तले चबाने से दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं और मसूडों में अच्छे से बैठ जाती है जिससे हमारे मसूडे भी शक्तिशाली होते हैं और हमारे बूढ़े होने पर भी हमारे दांत जल्दी से नहीं गिरते अगर आप रोज़ाना जंगल जाकर ये नहीं ला सकते तो एक बार में ही इन्हें खोद लाए और जिस दिन इसे इस्तेमाल करना हो उसकी पिछली रात को पानी में डालकर रख दे और सुबह इस्तेमाल कर ले बाकी आप सूखा भी चबा सकते हैं इसकी गांठ के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं कोई नुकसान नहीं है इसके अलावा टेटनस की किक्कर की गांठ को दांतों तले चबाने से दांत और मसूडे कैसे मजबूत हो जाते हैं इसके पीछे क्या कारण है और इसका वास्तविक सबूत क्या है जिससे यह सब बातें सरलता से साबित हो जाती है इस पर मैंने विस्तार से अपनी वेबसाइट पर लिखा है जिसको पढ़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डब्लू डॉट बाबा आयुर्वेदा डॉट कॉम पर जाकर एक बार जरूर चेक करें और इसी तरह की आयुर्वेदिक जानकारियाँ आगे भी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल बाबा आयुर्वेदा को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं जो कि बिल्कुल फ्री है जय हिंद जय आयुर्वेद दोस्तों